चुप कर। वेलकम टू नाना चाटेकर शो। आज के शो में हम आपको लेकर चलेंगे साहेब बीबी और गैंगस्टर के फर्स्ट लुक पे। ये आ गई एक्टिंग की खान, इरफान खान। बाहर आ जा, आजे बाहर। ये किसकी गाड़ी आ गई रे? कैमरा रख सीधा। मेरे को ये कौन है जाड़ी है? इधर पीछे से आ गया तिग्मांशु धुलिया, डायरेक्टर। क्या बात है, ये लोग देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। क्या बात है, ये देखो साहेब आ गए। अच्छा लग रहा है, पगड़ी वगड़ी पहन के। अच्छा, उसका लुक अच्छा लगा रहेगा आपको तो लाइक मारो, और इससे ज्यादा अगर गाड़ी अच्छी लगी है फिर भी लाइक मारो। मेरे को तो गाड़ी अच्छी लगी। ये देखो राजकुमारी कैसे आ रही है, सुहाली खान। तू उतर जा। ये कौन है, किसको बिठाया रे? ये देखो आ गई साहब की बीवी, माही। मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये, साड़ी में लिपटी तलवार है तलवार। अरे क्या बात है, लाइट वाइट आ गई। अच्छा क्या बात है, ए कुछ बोल, कॉस्ट्यूम पहना है, एक तो डायलॉग बोल। हमारा इतिहास है और हम कल भी इतिहास बनाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, कुछ तो इतिहास बना कम से कम। सोहा का आवाज है, इधर टन मार। जो प्यारी से प्यारी चीज को बिगाड़ देती है, देखिए इसने हमें भी। क्या बात है, यानी फिल्म में ये गद्दार का रोल कर रही है। अच्छा है, ये देखो बेवड़ी। ए तूने देवड़ी किया था, बेवड़ी कैसे हो गई रे? डायलॉग बोल। ये हमेशा मर्द ही क्यों मिलते हैं हमें, कोई शायर क्यों नहीं मिलता? अरे मैं है ना शायर, आ कहीं दूर चले, चंदन चांदनी के गाँव चले। अरे ये देखो हार्ले डेविडसन पे आ गया अपना हीरो। इरफान प्लीज शुरू हो जाए। आप चाहते हो ना कि जंग हो? हाँ? होगी, घमासान होगी आपकी पसंद। क्या बात है, क्या बात है, ताली बजा रहे, ताली बजा। अच्छा माही मेरे को बता, तू रोल के लिए क्या प्रिपेयर करके गई थी? As Jimmy just said कि we don't prepare anything because whatever we conceive and go on the sets different, it's changed altogether because तैयारी थी। अगर आपने पहली वाली फिल्म देखी हो तो ये तो नहीं था, हमको क्या मालूम था कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी। हाँ हाँ। लेकिन उस वो फिल्म जब पहली वाली एंड होती है उसमें है कि माही जा रही है और साहब व्हील चेयर पे और एक आदमी पीछे खड़ा कहता है ये कौन है, माही कहती है हमारा नया ड्राइवर, और वहाँ फिल्म एंड होती है। तो सीक्वल का जर्म हमने छोड़ दिया था। अच्छा। थिंकिंग अगर पीछे चल जाएगी तो बनाएंगे, तो ये उन सीक्वल्स की तरह नहीं है कि कहानी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नाम, सिर्फ फ्रेंचाइजी को ही नहीं यूज कर रहे हम, उस स्टोरी को भी आगे बढ़ा रहे हैं और अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टोरी। और जिसने पहला नहीं देखा हो तो? अगर आपने पहली बारी नहीं भी देखी है तो भी आपको मजा आएगा। अच्छा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोहा तू तो एकदम छोटे से बच्चे है, अभी तो तेरे को स्कूलिंग कॉलेज करना बाकी है, यानी ये लाइन में, तो तेरे को क्या लगता है तेरे से खतरनाक यहाँ पर कौन कौन है? खतरनाक तो सारे हैं, हम सब जो स्टेज पे खड़े हैं सब लोग हैं। अच्छा तिग्मांशु पहले पिक्चर में ये रणदीप था ना, तो ये फिल्म में क्यों नहीं है? और इरफान की काय को मर गया ना रणदीप पहली पिक्चर में। अच्छा अच्छा, नहीं सॉरी मैंने देखी नहीं थी। लेकिन इरफान पे काय को? व्हाई, बिकॉज़ वो कैरेक्टर ऐसे लिखा गया, मुझे लगता है ताकि इरफान ही कर पाएगा इसको। सोहा ऐ सोहा इधर इधर देख, तेरे को क्या लगता है ये रोल तेरे लिए कैसा रहा? या ना तू नवाबी खानदान से है या राजा राजवाड़ो वाला फील है, तो ये आसान रहा था तेरे लिए क्योंकि तू वैसे ही यानी बहुत ही आसान है, मैं तो इन कपड़ों में सोती हूँ, इतना जेवर हमेशा पहनती हूँ। मजाक उड़ाती है मेरा, तिग्मांशु को दे। ए तिग्मांशु इसीलिए लिया इसको? अरे बता, खुल के बता। ऑनेस्टली ये वजह भी थी। अच्छा, और मैं करता हूँ उस तरह की कास्टिंग। नहीं अच्छी बात है। तिग्मांशु इसमें राज बब्बर भी है ना, किधर है, दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे लगता है वो, देखिए वो एक राजनेता भी है अभिनेता होने के अलावा, तो आई एम श्योर किसी पॉलिटिकल कारण की वजह से वो वहाँ मसरूफ होंगे, इसलिए शायद नहीं आ पाए। इधर माही इसमें तू पूरा एकदम अय्याश बहू की तौर पर यानी अय्याश बीवी दिखाई है, या अय्याशी के पीछे का क्या राज है, बहुत ज्यादा कर ली? वैसे तो अय्याशी करने का मौका नहीं मिलता तो मैंने सोचा फिल्म में ही कर लूं।
नाइस टू बी ट्रू। अच्छा मेरे को बताओ, कोठों से नाचने वालियों से किसका संबंध है, कौन जानता है? जी जी हमारा ताल्लुक था, हमने देखा है, ऐसे कोई नया नहीं है। तो समझ लीजिए इन्होंने सब कोठे देखे हैं, सबने राजा रजवाड़े देखे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि थिएटर में जाके देखो, और तिग्मांशु धुलिया के बारे में क्या लगता है कमेंट में लिखो, लाइक मारो वीडियो को और आपके व्यूज लिखो कि क्या लगता है माही गिल के बारे में आपको। चुप कर।